नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, वीडियो की ही स्टार्टिंग में मैं आपको एक बेहद जरूरी जानकारी दे दूं। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए अब एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, www.advocatedeepakangrish.com। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट के अंदर आप सभी के लिए लीगल टॉपिक, जिस जिस की आप जानकारी गेन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी हो सकती है किसी भी लीगल टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका इशू हो या क्वेरी हो, तो वो सभी आपकी क्वेरीज इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद इजिली से सॉल्व आउट हो जाने वाली है। तो दोस्तों, आप एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करके देखिएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिकूल कब्जे आय की जानकारी देने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, एडवर्स पोजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी की निजी संपत्ति पर अगर आप लगातार 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के रह लेते हैं, तो यहाँ पर कानून की नज़र में आपका उस संपत्ति पर कब्जा माना जाएगा। और वही संपत्ति अगर आप किसी सरकारी संपत्ति की बात करें तो उस स्थिति में ये समय सीमा 30 साल तक हो जाती है। पर दोस्तों, यहाँ पर इससे जुड़ी हुई आपको और ज़्यादा जानकारी गेन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप अपने इस प्रतिकूल कब्जे का दावा कोर्ट में करने वाले हैं, तो उस स्थिति में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका वो प्रतिकूल कब्जा वैध माना जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिकूल कब्जे के ऊपर बहुत सारी एडिशनल वीडियो देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इसी चीज से जुड़ी हुई जानकारी गेन करना चाहते हैं वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अब 12 साल तक जो किसी संपत्ति पर बिना किसी रोक टोक के कब्जा कर लेगा, वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कानून यहाँ पर प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजेशन के बारे में कहता क्या है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर दो भाई हैं, राम और श्याम। राम यहाँ पर अपने भाई यानी कि श्याम की संपत्ति पर रह रहा है, जिसको रहने के लिए श्याम ने खुद कहा हुआ है। तो उस स्थिति में अगर राम यहाँ पर लगातार 12 साल तक रह जाता है बिना किसी रोक टोक के, दोस्तों यानी कि इस बीच श्याम ने उसे संपत्ति खाली करने के लिए नहीं बोला, इस बीच यहाँ पर उसे कोई कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया गया कि संपत्ति खाली करा जाए, या फिर उसे किसी तरह का फोर्स नहीं किया संपत्ति खाली करने के लिए, और बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर राम उस संपत्ति पर 12 साल तक रह लेता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 12 साल बीतने के बाद यहाँ पर उसका मालिकाना हक उस संपत्ति पर कानूनी रूप से माना जाने लगेगा दोस्तों, और यहाँ पर राम चाहे तो उस संपत्ति को बेच भी सकता है। दोस्तों यहां पर अगर यहां पर कोई सामान्य कब्जा हो, ना कि प्रतिकूल कब्जा हो, तो उस स्थिति में यहां पर स्वामित्व कहना नामुमकिन हो जाएगा। फिर भी अगर प्रतिकूल कब्जे यानी कि एडवर्स पोजेशन की बात की जाए, तो यहां पर 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के रहने के बाद यहां पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर कोई ज़्यादा कानून इसके ऊपर नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं होते, फिर भी मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊं तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर 12 साल तक बिना किसी की संपत्ति पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें वहाँ पर होनी बेहद ज़्यादा जरूरी है। पहली यही कि आप किसी भी गैरकानूनी तरीके से उस संपत्ति पर कब्जा ना किए हो, यानी कि आप उस संपत्ति पर कोई भी गैरकानूनी तरीके से नहीं रह रहे हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको इन 12 सालों के बीच में वो संपत्ति खाली करने के लिए नोटिस या फिर किसी तरह का फोर्स नहीं किया हो। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर यही दो चीज़ हैं जो यहाँ पर कानून कहता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे मैं आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में जानकारी दे दूँ, जिसके अंदर इस कानून का विस्तार किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सामान्य रूप से मैं इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ, यहाँ पर किसी की निजी संपत्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको लगातार 12 साल तक कब्जा करना पड़ता है। और यही चीज़ अगर किसी सरकारी संपत्ति की आ जाए तो बात, तो यहाँ पर आपको लगातार 30 साल तक कब्जा बनाए रखना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर कानून यही चीज़ कहता है कि यहाँ पर भले 12 साल कब्जे के बाद जो संपत्ति का टाइटल है वो उसके असल मालिक के पास हो, यानी कि उसके असल मालिक के पास यहाँ पर उस संपत्ति का टाइटल भले ही हो, किंतु यहाँ पर 12 साल की समयावधि के बाद यहाँ पर
उस चीज का अधिकार वो खुद ब खुद खो देगा और उसे यहाँ पर संपत्ति खाली नहीं करवाई किसी भी कब्जे से, यानी कि प्रतिकूल कब्जे के तहत। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति भी होती है, अगर यहाँ पर आप भले ही 12 साल तक लगातार कब्जा कर भी लेते हैं और उसके बाद भी ऐसी कुछ स्थितियाँ बन जाती है जहाँ पर आप वहाँ पर वो कब्जा खो सकते हैं। जैसे कि अगर जिस संपत्ति पर आपने यहाँ पर लगातार 12 साल तक कब्जा कर रखा है, यानी कि एडवर्स पोजेशन कर रखा है, उस स्थिति में यहाँ पर जो संपत्ति का असल मालिक है, जिसके पास उस संपत्ति का टाइटल है, अगर वो यहाँ पर नाबालिग हुआ, इसके अलावा अगर यहाँ पर वो सशस्त्र बलों में काम कर रहा हो और आपको इस चीज़ की जानकारी हो या फिर ना हो, इसके अलावा तीसरी चीज़ अगर वो यहाँ पर मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो इस स्थिति में अगर आप यहाँ पर उसकी संपत्ति पर लगातार कब्जा भी कर लेते हैं, यानी कि उसकी संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन भी कर लेते हैं, उस स्थिति में यहाँ पर वो आपका एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको जानकारी देने वाला था, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। जैसे कि ये कुछ स्थितियाँ बन जाती है जहाँ पर आपका एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। सरकारी संपत्ति के तहत 30 सालों तक एडवर्स पोजेशन माना जाता है और किसी की प्राइवेट निजी संपत्ति के तहत यहाँ पर यह समय सीमा 12 साल तक हो जाती है। अब दोस्तों, मैं वीडियो के आगे आपको इसी चीज की जानकारी दूंगा कि अगर यहाँ पर आप एडवर्स पोजेशन करना चाहते हैं किसी की संपत्ति पर, तो उसके लिए कौन कौन से कानून के तहत जरूरी चीजें होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजेशन अगर किसी संपत्ति पर किया जा रहा है, तो वहाँ पर कानून की नज़र में कौन कौन सी चीज़ होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चीज़ की जानकारी देनी होगी कि यहाँ पर आप एडवर्स पोजेशन यानी कि कब्जा करने की तैयारी में है प्रतिकूल। उस चीज़ की यहाँ पर जानकारी कहें तो, या फिर कहें तो, इस चीज़ को आप साबित करने के लिए यहाँ पर जिस संपत्ति पर आप कब्जा कर रहे हैं उसकी चार दीवारी करवा सकते हैं, यानी उसके चारों तरफ आप बाउंड्री करवा सकते हैं ईंटों से। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां पर फसल कटाई का काम शुरू भी कर सकते हैं, या फिर कह सके तो आप वहां पर किसी भी प्रकार की मरम्मत करवा सकते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी आए, फिर चार दीवारी आपने करवाई, तो समय समय पर यहां पर आप कोई इमारत खड़ी कर दें, या फिर उस चार दीवारी की यहां पर रिपेयर करवाते रहें, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करवाते रहें। इसके अलावा दोस्तों, आप वहां पर किसी भी प्रकार का पेड़ वगैरह उगा सकते हैं, जो इस चीज़ को यहां पर ये चीज़ निर्धारित करता है कि यहां पर आप उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर आप जो संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं उस चीज की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर समय रहते, यानी कि 12 साल की समय अवधि के भीतर उस व्यक्ति को जिसके पास वो संपत्ति का टाइटल है, उसे इस चीज का प्रॉपर समय मिल सके कि यहां पर उसकी संपत्ति पर कोई पोजेशन करने की तैयारी में, यानी कि कोई एडवर्स पोजेशन करने की तैयारी में, और वह समय रहते अगर उसकी चाहत है तो वो संपत्ति को उससे खाली करवा ले। इसलिए दोस्तों, यहां पर लोगों की नजर में यह चीज बात आनी बेहद ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की, कह सकते हैं अगर आप 12 साल तक कब्जा कर रहे हैं, तो इसके बीच किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं इस बीच वो व्यक्ति आपको यहाँ पर खाली करने के लिए ना कह रहा हो, इस बीच वो आपको किसी भी प्रकार का कानूनी नोटिस ना भेजे, या फिर इस बीच वो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही ना करे उस संपत्ति से जुड़ी हुई, तो उस स्थिति में यहाँ पर वो कब्जा नहीं माना जाएगा दोस्तों, वो बीच में ही यहाँ पर ब्रेक कर दिया जाएगा। चौथी चीज दोस्तों, जिस भी संपत्ति पर यहाँ पर कह सकते हैं एडवर्स पोजेशन किया जा रहा है, उसको अकेले व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पर आप पार्टनर्स लेकर यहाँ पर किसी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। एडवर्स पोजेशन की स्थिति में यहाँ पर जो व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, वहाँ पर एकल उसका अधिकार होना चाहिए दोस्तों, यानी कि वो अकेला ही वहाँ पर, चाहे किसी के साथ रह के, चाहे कैसे भी, उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन कर रहा हो। ये नहीं वो यहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स लाकर उस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है दोस्तों। तो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पर एडवर्स पोजेशन में कानून एक बार जरूर नजर डालता है दोस्तों। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं कि अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है, यानी कि एडवर्स पोजेशन का मामला कोर्ट में जाता है, तो उस स्थिति में जो यहाँ पर कब्जाधारी है उसे यहाँ पर किन किन दस्तावेजों को दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो पोजेशन किया गया, यानी कि जो कब्जा किया गया, उसकी प्रकृति देखी जाती है, यानी कि क्या वो सच में एडवर्स पोजेशन है, क्या वो नॉर्मल कब्जा तो नहीं था। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों, ये चीज देखी जाती है कि जो पोजेशन किया गया है वो किस तारीख से स्टार्ट किया गया था, उससे जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ पर देखे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये चीज देखी जाती है कि यहाँ पर जो पोजेशन यानी कि एडवर्स पोजेशन किया जा रहा है उसकी जानकारी लोगों को थी या फिर नहीं थी, उसके लिए यहाँ पर गवाही दिलवाई जाती है। चौथी चीज यहाँ पर पोजेशन की अवधि देखी जाती है कि यहाँ पर ये 12 साल या 30 साल तक था या फिर नहीं था,
और आखिर में यहाँ पर एक चीज़ से जुड़ा और दस्तावेज देखा जाता है, वो कि पोजेशन की निरंतरता लगातार 12 साल तक थी बिना किसी रोक टोक के या फिर नहीं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ये 5 पॉइंट यहाँ पर कोर्ट फोकस करता है और इन्हीं चीज़ से जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ पर कब्जाधारी से मांगता है ताकि उसका कब्जा निर्धारित किया जा सके। दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साल 2010 में हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार नामक व्यक्ति का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत यहाँ पर कोर्ट ने जो संपत्ति का असल मालिक था उसके फेवर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज़ भी कही थी कि जो ये कानून है यानी कि एडवर्स पोजेशन का कानून है, ये बेहद पुराना है और इसमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर असल जो संपत्ति का मालिक है ये कानून उसे ही चोट पहुंचा रहा है और इस स्थिति में यहाँ पर कब्जाधारियों के लिए ये कानून बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, जो यहाँ पर कानून की नज़र से अगर देखा जाए किसी के अधिकारों की बात की जाए तो ये गलत माना जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कानून समय समय पर थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है, किंतु फिर भी अभी तक इस कानून को देखते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कब्जाधारी अब भी किसी की संपत्ति पर कब्जा कर पा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों हाँ दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों